लोग आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। तुम आ गए हूँ फिर से एक नया ब्लॉग लेकर के, मेरे मेरा दोस्त आया है आई बोल नहीं तो अभी हम आपको पूरा रिव्यू देते हैं, पूरा घुमाते हैं, आप लोगों को दिखाते हैं क्या है सिस्टम है, कैसा है कैसा नहीं है। तब तक के लिए बाय दोस्तों। ये इंटरेस्ट है यहाँ का, ये फ्री ऑफ कॉस्ट को दिक्कत नहीं है, इधर बता आराम से जाओ, चेकिंग वेकिंग करवाओ और करके अंदर जा सकते हो आप लोग। फिर यहाँ से एंट्री स्टार्ट है, फिर वापसी में कोई चेकिंग नहीं है, वापसी में वो साइड से दिख रहा है, आप उधर से वापस आ सकते हो। ये है अंदर का सीन, ये अंदर का नजर, सामने गेट ऑफ इंडिया, इधर स्टैचू भी है, बुद्ध गौतम बुद्ध का स्टैचू है और छत्रपति शिवाजी महाराज का भी स्टैचू है इधर। मतलब इधर बहुत अच्छा मतलब जगह है पब्लिक। हेलो गाइस, तो ये बोर्ड जो देख रहे हो आप, ये कपल लोगों के लिए जो हनीमून मनाने आते हैं ना, उन लोगों के लिए पर्सनल होता है। मतलब ये लेके जाओ अपना घूम फिर के आओ। तो आओ आगे चलते हैं। तो इधर से आप जितने भी लोग देख रहे हो सब बोट के लिए खड़े हैं, बोट मतलब 140 रुपये टिकट है। ये लोग उधर दूर से घूम करके आते हैं और चले जाते हैं। इधर से एलिफेंटा अलीबाग जैसे जगह केव है जहाँ घूमने के लिए पब्लिक लोग इधर से ही जाते हैं। ये देखिए इधर बैठे हैं, ऊपर बैठने का 10 रुपये एक्स्ट्रा देना पड़ता है, बाकी अंदर मतलब नीचे का 140 रुपये के आसपास देना पड़ता है, इससे ज़्यादा कॉस्ट है। बाकी देख रहे हो वो जहाज देख रहे हो, उधर से जा रहा है वो जहाज, ये सब मतलब इन्हीं सब चीज़ों के लिए खड़े। भीड़ बहुत है इधर देखो पब्लिक, तो हम लोगों को लगता है जाने का मौका मिलेगा नहीं, तो हम लोग सोचते छोड़ो जाने दो, नेक्स्ट टाइम कभी देखते हैं आने के लिए। तो तब तक ऐसे चलते हैं आगे बढ़ते हैं और आपको और भी और बोट वोट इधर नाव वाव वगैरह सब चीज़ें वो दिखाते हैं आपको। ये देखो ये सब अलीबाग के लिए, इधर से आपको बोट मिलेगा, ये अलीबाग के लिए इधर से घूमने के लिए, इसके पीछे बैक साइड उधर से मिलेगा आपको घूमने के लिए। कितना भीड़ है इधर, और मेरे पीछे कुछ लड़के जो टिकटॉक रील्स बना रही है, मतलब रील्स बना रहे हैं इधर आपके लोगों का। मेरे बहुत इंस्टाग्राम के टिकटॉकर भी आते हैं रील्स बनाने के लिए, और इधर बहुत आपको फोटोग्राफ्स मिल जाएंगे, फोटोशूट करेंगे 30 रुपये एक फोटो का। मतलब आप इधर इस साइड से फोटो खिंचवाओ, चाहे आप इस साइड फोटो खिंचवाओ, कहीं भी फोटो खिंचवाओ, एक साइड फोटो आएगा 30 रुपये लेंगे आपसे। अब आप एक खिंचवाते दो खिंचवाते 10 की, तो वो एक 30-30 रुपये के हिसाब से बढ़ जाएगा। ये देख लो मुझे गेट पर खंडे, इसके पीछे जस्ट नाव है, मतलब उसमें आपको समुद्र में थोड़ा बीच से घुमा के ले जाएंगे, 115 रुपये टिकट है वहाँ। तो हम लोग अभी जाने लगे, तो हमारे पास टाइम नहीं है, हम लोगों को फटाफट घर निकलना है। तो आज मेरा पूजा है, तो पूजा में जाने का है मेरे को, तो इसलिए थोड़ा कपड़ा वपड़ा शॉपिंग वॉपिंग करता हूँ, उसके बाद मैं जाता हूँ। अभी मैं आप लोगों को दिखाना था, मैंने दिखा दिया। अभी देखते गेट के, देखिए ताज होती है, इसके बाजू में भी जाएंगे, इसके पास नज़दीक से भी जाएंगे, थोड़ा वीडियो बनाएंगे वहाँ से। अभी क्या फोटो वोटो खिंचवा देते, थोड़ा फोटो वोटो हो गया। ये मेरा दोस्त है, इसके साथ लेके आया, हम दोनों आए हैं साथ में घूमने के लिए। देखो वैसा घूम फिर के आ रहे हैं, जैसे ये बोट है, ये जैसे ये बोट वोट आते सब दूर दूर, जितने दूर दूर देखो सब बोट ही बोट दिखेगा, सब बोट से घूम फिर के आ रहे हैं। देखो 125 रुपये टिकट है, 125-115 रुपये टिकट है, तो सब बोट लाइन में ऐसे खड़े हैं, वो सब ले जाने के लिए वो सब खड़े हैं। तो दोस्तों इधर स्नैक्स वगैरह मिलते हैं, स्नैक्स वगैरह मिलते हैं इधर, खाने पीने का आइटम, और टिकट काउंटर उधर भी है, भीड़ जगह सब स्नैक्स। फाइनली हम घूम के आ चुके हैं उधर, हम जा रहे हैं गेटवे ऑफ इंडिया के ताज होटल के नीचे, ये ताज होटल बाजू में, इसके हम ज़्यादा थोड़ा नीचे थोड़ा देखते हैं इधर से क्या सा रास्ता है कैसा नहीं है, और आप लोगों को दिखाते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि ये जो गेट ऑफ इंडिया है ये किस बेस पर कैसे बना था, ये तो इसके बारे में हमें जानकारी है, हम आपको थोड़ा वीडियो दिखा दें, उसके बाद हमको लास्ट में बताएंगे। तब तक के लिए मैं देखो पाए।
दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताओ। जो गेटवे ऑफ इंडिया जो है, जॉर्ज किंग पंचम एक महाराजा थे किस अपने जमाने में, मतलब 19वीं शताब्दी के महाराजा थे। वो अपनी महारानी मैरी को लेकर के इंडिया में मतलब फर्स्ट टाइम एंटर होने वाले थे, तो उनके खुशी उनके स्वागत के लिए वो गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया था। और मैं आपको बता दूं, गेटवे ऑफ इंडिया सन 1911 में बनना स्टार्ट हुआ था 31 मार्च को, और ये बन के 1924 में बन के मतलब ये रेडी हो गया। मतलब इसको कम से कम 14-15 साल के आसपास टाइम लगा बनने में, बन गया। इसकी लागत उस समय 21 लाख रुपए थी, मतलब उस समय ये 21 लाख रुपए में बन के रेडी हुआ था। इतने साल लगा था, 21 लाख रुपए बन के रेडी हुआ था। और जब हमारा देश आज़ाद हुआ था 1980 में, तो जो ब्रिटिश का जो मतलब जो उनके जो सेना थे लास्ट, मतलब जो उनका बैच था, वो लोग अपने गेटवे ऑफ इंडिया से ही मतलब गए थे। और जब गेटवे ऑफ इंडिया किसी ज़माने में अपने 20वीं शताब्दी में जो बड़े बड़े जो मतलब व्यापारी लोग थे, अंग्रेज लोग, मतलब जो कुछ लोग इधर से मतलब जिधर उधर ब्रिटेन रास्ते इधर से आते थे, तो वो लोग गेटवे ऑफ इंडिया के थ्रू ही अपने इंडिया के अंदर एंटर होते थे। वो एक मेन जगह था, मतलब ये गेटवे ऑफ इंडिया हो गया मुंबई का। अब एक गेट इंडिया गेट है, वो है दिल्ली का, जो कि जो हमारे शहीद थे जो आज़ादी के समय जो मरे, मतलब उनके मतलब वो महायुद्ध हुआ था एक बार, तो महायुद्ध में जो सैनिक अपने मरे गए थे उन सैनिकों की याद में वो गेट इंडिया बनाया गया था, तो उसको इंडिया गेट रखा है। वो मतलब आज़ाद सिंह के नाम से भी वो मतलब गेट इंडिया गेट फेमस है, तो मतलब वो उसके लिए रखा है। मतलब वो दिल्ली में पड़ता है, वो दिल्ली की राजधानी है मुंबई, मतलब मुंबई आर्थिक स्थिति की राजधानी है, मतलब यहाँ पर काम रोज़गार बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, मैंने आप लोगों को पूरा इन्फॉर्मेशन दे दिया। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, और आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया, मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब कर जाए। तो नहीं, बस 1000 सब्सक्राइबर करवा दीजिए, बस फिर मेरा काम हो जाएगा। तो बस जल्दी से जल्दी करवा दीजिए 1000 सब्सक्राइबर। तब तक के लिए बाय, मैं आपसे ऐसी अगले वीडियो में मिलूंगा, बहुत जल्द मिलूंगा। और आपको कौन सा जगह मुंबई में देखना है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए, मैं उसी जगह पर जाकर उसका वीडियो बना के ब्लॉग बना के डाल दूंगा। चलो भाई, मिलते हैं फिर नेक्स्ट व्लॉग में। अब अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ स्कैम करो या फिर महफिल जमाओ, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।